welcome to check something youtube channel and this is the lecture 4 online c++ series from basic to advanced i already have covered keywords data types operators if else and switch statements also in the previous lecture i have covered about the for loop okay so this is the uh, part b of uh, lecture 4 where i will going to cover about while loop okay सो so, इस वीडियो में हम वाइल लूप कवर करेंगे एंड ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन बनाने का यूजिंग वाइल लूप ओनली ओके सो प्रीवियस सेशन में हमने सेम क्वेश्चन बनाया था यूजिंग फॉर लूप एंड हम मूव करते हैं अभी अपने कंपाइलर्स पे सो so, यहाँ पे क्या है कि वाइल लूप का हम पहले तो सिंटेक्स देख लेते हैं वी आर यूजिंग सो दिस वाइल लूप का जो सिंटेक्स होता है सो so, सिंटेक्स हमारा क्या है वाइल्ड लूप का कि पहले हम वाइल लिखते हैं जो हमारा रिजर्व की है एंड यहाँ पे हमारा कंडीशन होता है

So, यहां पे क्या है कि हम पहला क्वेश्चन लेते हैं सो so, यहाँ पे पहला क्या है? 1 100, okay? so, कैसे हम वन टू हंड्रेड तक सो आईज इक्वल टू वन से हम इनिस करते हैं इसको अभी कंडीशन में क्या डालते हैं कंडीशन ओके सो कंडीशन ये है कि आई लेस देन आर इक्वल्स टू हंड्रेड हो जब तक तब तक तो हमारा ये वाइल्ड लूप चलना चाहिए ठीक है सो so, अभी क्या करना है कि वी नीड टू प्रिंट द इवन नंबर सो हमें इवन नंबर की भी यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी वो होती क्या है कि i का अगर मॉड्यूल बाई टू लेंगे मॉड्यूल बाई टू करेंगे और ये अगर जीरो आता है इसका मतलब कि हमारा ये नंबर इवन है सो so, हमने यहाँ पे i लिख दिया और जस्ट फॉर सेपरेशन वी आर यूजिंग स्पेस स्पेसर देन एट द एंड क्या हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना चाहिए ठीक है सो हम यहाँ पे क्या करते हैं इंक्रीमेंट करते हैं बिकॉज हम वन से हंड्रेड तक जाएंगे ठीक है सो ये हमारा बेसिक से कंडीशन हो गया जो हमें यूज करना है अपने कोड में सो so, ये हमारा पहला पार्ट जो पहला क्वेश्चन था वो कम्प्लीट हो चुका है सो so, इसमें यही है कि हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं उस पर चेक कर रहे हैं एंड एट द एंड वी आर इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट सो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि वन से हमें हंड्रेड तक जाना है सो वी आर इंक्रीमेंटिंग इट ओके सो हमारा जो आउटपुट है वो है टू से टू फोर सिक्स एट टेन

So, अभी हम ये वाला चलते हैं। so, क्या है गेट टेन इनपुट नंबर फ्रॉम द यूजर एंड ट्राई टू फाइंड आउट भी करना है हमें एक नंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा जो हमारे लिए होगा जिसमें हम ये चेक करेंगे कि इंश्योर करेंगे कि यूजर टेन नंबर इंसर्ट करे एटलीस्ट ठीक है सो so, अभी वो किससे करेगा कि वन से है तो टेन तक चले ठीक है सो so, अभी क्या होगा कि इस सिनारियो में हमारा ये फॉलु टेन बार चलेगा

इंटीजर का सो so, इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू असाइन करने के लिए इंट मैक्स ऐसे लिखा जाता है ठीक है और हम एक मैक्सिमम वेरिएबल बनाएंगे जिसमें सबसे छोटी वैल्यू असाइन करेंगे जो मिनिमम होता है सो so, जो हमारा इंटीजर का रेंज होता है वो माइनस से प्लस तक होता है ना माइनस टू की पावर थर्टी वन माइनस वन से मिनिमम so, जो होगा वो होगा टू की पावर माइनस थर्टी वन माइनस वन ओके सो ये हमारा मिनिमम हो जाएगा एंड जो मैक्सिमम होगा वो टू की पावर थर्टी वन तक होगा ठीक है so, सो ये हमारा दोनों वैल्यूज असाइन है अभी हमने ये मिनिमम में मैक्सिमम नंबर और मैक्सिमम में मिनिमम नंबर क्यों रखा है ये अभी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी आर कंपेयरिंग ठीक है सो अभी यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे किसको कंपेयर करेंगे मिनिमम वैल्यू को टेम्परेरी से सो so, मिनिमम में अभी हमने मैक्सिमम वैल्यू रख दिया है अभी हम बोलेंगे कि भाई जो मिनिमम की वैल्यू है क्या वो बड़ी है हमारे टेम्परेरी नंबर से सो so, अभी इसीलिए हमने यहाँ पे मैक्सिमम रखा है इसको मिनिमम की वैल्यू की इससे ज़्यादा वैल्यू टैम्प में आए ही ना सो so, अभी हम ये चेक करें कि मिनिमम की वैल्यू क्या टैम्प से बड़ी है इसने बोला हाँ बड़ी है अगर बड़ी है देन क्या करो कि मिनिमम में टैम्प की वैल्यू असाइन कर लो ठीक है मिनिमम में टैंप की वैल्यू ले लो ओके असाइन करा लो सेम वे में अभी हमारा मैक्सिमम वाला होगा मैक्सिमम में हम ये बोलेंगे कि भाई क्या टैंप की वैल्यू जो हमारी वो मैक्सिमम से बड़ी है ऑब्वियसली वो स्टार्टिंग से ही बड़ी होगी बिकॉज क्या है कि हम अभी मैक्सिमम इंटीजर uh, में जो है सॉरी जो मैक्स में है हमने वो एकदम छोटी वैल्यू ले रखी है तो टैंप में अगर आप जीरो भी भी डालोगे तब भी वो हमारा मैक्सिमम से बड़ा ही होगा ठीक है सो इन दिस सिनारी क्या कर रहे हैं हम मैक्स में टैंप की वैल्यू को कॉपी कर ले रहे हैं ठीक है सो अभी क्लियर है ना ये अभी एट द एंड वट वी आर डूइंग वी आर जस्ट प्रिंटिंग इट ओके कि मिन नंबर मिन नंबर जो है हमारा वो मिन होगा एंड यहाँ पे एक इंडल लगा लेते हैं एंड सेम वे में हम मैक्स नंबर मैक्स कर लेते हैं ठीक है अभी कोई इशू नहीं है ना इसमें देन वी आर प्रोसीडिंग इट ओके सो अभी कंपाइल करके चेक करते हैं सो so, क्या होगा कि ये टोटली जब यूजर uh, 10 नंबर्स इंसर्ट करेगा हर एक नंबर पे हमारा ये कंडीशन चेक होगा एंड बेस्ड ऑन द नंबर व्हाटएवर ही हैज इंसर्टेड उसके हिसाब से ये मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू अपडेट होती रहेंगी, ठीक है? So, अभी हम क्या करते हैं कि कुछ वैल्यूज को इसमें इनपुट करते हैं, ओके? Okay? So, अभी हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? 596 10, so, है ना? इसमें कोई भी डाउट होगा इस अगर लॉजिक में अगर कोई डाउट हो आपको तो एक बार और क्लियर करने के लिए हम आपको ये बताते हैं कि जैसे मिनिमम में अभी क्या रखा है

तो ये बोलेगा हाँ ये बड़ा है तो ये क्या करेगा कि जो हमारा मिन वाला नंबर था उसमें 45 असाइन कर देगा एंड सेम वे में जो मैक्सिमम में चेक करेगा ये बोलेगा क्या जो टेम्परेरी नंबर है हमारा वो उससे जो हमारा ये मैक्सिमम वो बड़ा है क्या मतलब ये टेम्परेरी मतलब आप ये देखो जैसे ये ये बड़ा है क्या तो ये क्या बोलेगा कि 45 फाइव इज ग्रेटर देन दिस इट इज ओके सो इन सिनारियों में क्या होगा कि मैक्सिमम में भी फिफ्टी फोर्टी फाइव पड़ जाएगा सो so अभी इस सिनारियों में क्या होगा मैक्सिमम में भी 45 होगा और मिनिमम में भी 45 होगा ओके सो लेट सपोज कि हम सेकेंड टाइम 15 डालते हैं तो अभी क्या होगा 15 को चेक करेगा ये कि 15 इज ग्रेटर देन 45 फाइव इज ग्रेटर देन फिफ्टीन So ये बोलेगा हाँ येस इट इज ग्रेटर देन फिफ्टीन सो क्या करेगा ये मिनिमम में फिफ्टीन रख लेगा एंड द सेकेंड टाइम ये क्या चेक करेगा कि क्या फोर्टी फाइव फिफ्टीन इज ग्रेटर देन फोर्टी फाइव तो ये बोलेगा नहीं अभी नहीं है नहीं है देन अभी भी क्या है उसमें मैक्सिमम फोर्टी फाइव ठीक है सो सेम वे में हमारा जैसा चल रहा था अभी वैसे ही चलेगा ये सो so अभी अदर वाले नंबर्स पे भी वैसे ही बिहेव करेगा ठीक है सो ये हमारा एक और एग्जाम्पल हो गया सो so बाकी आप ये जो हमारा uh, पैटर्न वाला क्वेश्चन है बेसिकली हम उसको यूजिंग इन फॉल लू ही बनाते हैं आप पिछला वाला वीडियो रेफर करो आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा वहाँ पे। एंड ट्राई टू मेक इट बाई योर सेल्फ ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू